सत श्री अकाल फ्रेंड्स। अब जैसे समर टाइम आ गया है, ऐसे में हमारा मन करता है ना कुछ ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी सा ड्रिंक मिल जाए, तो कई बार तो हम मार्केट से भी ले लेते हैं। तो आज ना मैं आपको ऐसे ड्रिंक बनाने बता रही हूँ जो कि आप एक बार बना लेना और पूरी गर्मियाँ उनको इंजॉय करना। तो घर पे बने होंगे तो वो हेल्दी भी होंगे, तो फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। पहला ड्रिंक बनाएंगे रोज़ ड्रिंक। रोज़ ड्रिंक के लिए हमें ज़रूरत होगी गुलाब की। तो ये मेरे पास दो गुलाब है, इसको मैंने वॉश करके ले लिया है। अब पैन में एक कप पानी डालना है और उसमें इन दोनों गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर डाल देना है। अब इसको पकाना है। जैसे जैसे ये पकेंगी पंखुड़ियों के रंग जो है निकल जाएंगे, यानी कि इनका कलर जो है पानी में आ जाएगा। ये देखिए आप कैसा वाइट वाइट सा होने लग गया ना। जब ये पानी आधा रह जाए ना, आधा कप के करीब, तब गैस बंद कर देना। अब एक कढ़ाई में आपने लेना है एक कप शुगर। शुगर की जगह ना आप मिश्री भी ले सकते हो, धागे वाली मिश्री को तोड़कर ले सकते हो। और एक कप डाल देना इसमें पानी। जब शुगर मेल्ट होने लग जाए तो इसमें डालना आपने थोड़ा सा नमक और साथ में डालना आधी चम्मच सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसको डालने से शुगर जो है जमती नहीं है। कई बार देखा ना आपने बॉटल में नीचे चीनी जम जाती है, वैसा नहीं होगा। और साथ में ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। तो इसको डालकर ना आप देखिए, आप शुगर तो मेल्ट हो ही चुकी है। तो ये जो हमने गुलाब की पंखुड़ियों को उबाला है ना, इसका जो पानी है इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप शुगर सिरप में इसको डाल देना, अच्छी तरह से निचोड़ लेना। और उसके बाद अब इसमें एक कप चीनी और जाएगी। अब इसको भी हमने मेल्ट करना है। तो ये जो सिरप सा बन जाएगा ना, ये ऐसा बन जाएगा जैसा कि ये शहद होता है ना, मतलब हल्की हल्की तार भी आने लग जाएगी। ये देखिए आप हल्की हल्की तार भी आने लग गई है। ऐसा हो जाए तो आपने इसमें एक दो चीज़ें और डालनी है। और साथ में ना इसमें अब मैं डाल रही हूँ गुलाब जल। अगर रोज एसेंस है तो 2-3 ड्रॉप डालना, गुलाब जल है तो 2 चम्मच डालना। वैसे इसमें खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने डाला है क्योंकि इससे और अच्छी खुशबू आती है ना, तो बच्चे बड़े सब खुश होकर पी लेते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है, तो इसको गैस को बंद कर देंगे। रखा रखा हल्का से ये और गाढ़ा हो जाता है। ठंडा होने पर किसी ग्लास की बॉटल वगैरह में डालकर आप इसे रख लें, और जब आपका मन करे तब आप इसको बना सकते हो। चाहे तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसे खट्टा मीठा बना लें, आइस क्यूब, पुदीना, लेमन और चिया सीड वगैरह डालकर इसको पानी डालकर बना सकते हो, या फिर आप इसको मिल्क में भी बना सकते हो। पर आप इसको ठंडे दूध में बनाना, गर्म दूध में नहीं डालना। चाहे तो आप जेली भी बना सकते हो। देखिए बहुत आसानी से जेली प्रीमिक्स को गर्म पानी में घोल के बस जमाना होता है। तो ये तैयार भी हो गई है। अब लेना है एक गिलास और इसमें थोड़ी आइस क्यूब डाल करना, रोज़ सिरप जो बनाया है वो डालना है, और ठंडा ठंडा दूध डाल देना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिया सीड, चाहे तो सब्जा सीड भी डाल सकते हो, और डाल दिए जेली काट कर। बहुत ही टेस्टी सा ये रोज़ मिल्क बनकर तैयार हो गया है। किसी भी तरह से आप इसको पी सकते हो। अब बनाएंगे कच्चे आम का शरबत। इसको बनाकर आप स्टोर कर सकते हो, पूरी गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको बनाने का ना बहुत ही आसान सा मैं तरीका आपको बता रही हूँ। तो 3 मैंने लिए हैं कच्चे आम, 250 ग्राम के करीब है। इसको छील कर अब इसको कट करना है। तो कच्चे आम जो है आप ऐसे ही लेना, जो अंदर से वाइट से हो, पीले वाले हो ना, तो वो नहीं लेना। तो इसको कट करना है, तो बहुत छोटे टुकड़े काटने की ज़रूरत नहीं है। कुकर में इसको हमने डालना है, साथ में इसके पुदीना लेना है। तो पुदीना बहुत अच्छी तरह से धोकर लेना, बहुत इसमें मिट्टी होती है। तो एक मुट्ठी के करीब ये है, इसमें साथ के साथ ही डाल देंगे। और अब पानी डालना है, तो 1.5 कप मैं पानी डाल रही हूँ। और इसमें तेज़ गैस पर हमने विसल लगवानी है, 5 से 6 विसल। जब कुकर ठंडा होगा तो इसको खोलना है। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं ले रही हूँ शुगर, तो ये मैंने ली है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ले रही हूँ मैं 2.5 कप। आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हो, या आप मिश्री को पीस कर भी ले सकते हो, पर गुड़ नहीं लेना आप इसमें। तो इसमें अब जाएगा पानी। तो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर से 1/2 कप और 1/4 कप, 1/4 कप इसमें पानी जाएगा। तो इसको अब हमने पकाना है।
तो शुगर देखिए मेल्ट हो गई है ना, तो अब मीडियम फ्लेम करके इसको थोड़ी देर पकने देते हैं जिससे थोड़ा थिक हो जाए। 5-6 मिनट इसे लग जाएंगे, तब तक हम कुकर को देख लेते हैं। कुकर ठंडा हो गया है तो इसमें जो आम थे अच्छी तरह से वो बॉईल हो गए हैं। ठंडा होने पर इनको हमने पीसना ज़रूर है। तो मिक्सी के जार में इन आम के साथ हम डालेंगे थोड़े से मसाले भी साथ के साथ ही डाल देंगे। जैसे कि इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, रेगुलर नमक 1 चम्मच, और साथ में जीरा पाउडर जो है ना, भुना हुआ जीरा पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो अब इसको हम पीस लेंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं शुगर सिरप को पकते हुए, इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और साथ में ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हाथ से चेक करने पर ये चिपचिपा तो हो गया पर इसमें तार नहीं बन रही है, तो तार हमने नहीं बनानी है। अब इसमें डाल देते हैं जो हमने आम पीसे हैं ना, उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद भी हमें इसको 3-4 मिनट और पकाना है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ग्रीन फ्रूट कलर में इसमें डाल रही हूँ 2-3 चुटकी तक। वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और 3 मिनट और हो गए इसे पकते हुए। तो ये थिक हो गया है, ये देखिए कलछी के पीछे इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, इतना थिक हो गया है। गैस बंद कर देंगे क्योंकि अब ये ठंडा होगा ना तो और थिक हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया तो गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद इसमें मिलाना है नींबू का रस। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है नींबू का रस। मिलाने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ेगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और साथ में जो हमने इसमें शुगर यूज़ की है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी जमेगी नहीं। फिर आप इसको पूरी गर्मियों में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब ये ठंडा हो गया है तो इसे गिलास की साफ सी बोतल में डालकर स्टोर करना है। आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरी गर्मी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको सर्व कैसे करना है, ये मैंने ली है नमक और रेड चिली मिक्स करके। तो गिलास के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस लगाएंगे और गिलास को इस तरह से रेड चिली वाली प्लेट पर रखेंगे तो इस पर रेड चिली लग जाएगी। तो ये नमक और रेड चिली पीने में बहुत अच्छी लगेंगी, और साथ में ना ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें डाल लेंगे जो सिरप बनाया है 2-3 टेबल स्पून तक, आइस क्यूब डालेंगे, चिल्ड वाटर डालेंगे, मिक्स करके इसके ऊपर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ और साथ में लेमन स्लाइस लगा रही हूँ। ये देखिए आप कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत ही टेस्टी सा बनता है। इसको आप गर्मियों में पिएं जिससे कि आप लू से भी बचे रहेंगे और ठंडक भी मिलेगी। दोनों जूस बनकर तैयार हो गए। आपको इनमें से कौन सा वाला पसंद आया आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, उन लोगों को करना जो कि डाइट करना चाहते हों या जिम जाते हैं या जिनको प्रोटीन युक्त डाइट चाहिए है, तो उनके ये बहुत काम की होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।